हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका कुंवर सिंह फ्रॉम जैंक्स कार वर्ल्ड। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको सारी गाड़ियों के ऑडियो के ऊपर रिलेटेड वीडियोस दिखाता हूं, कैसे इंस्टॉलेशंस होती हैं, क्या क्या इंस्टॉल कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही है गाइस। अभी लास्ट मैंने डैम्पिंग के रिलेटेड वीडियो डाली थी, काफ़ी कुछ आपको नॉलेज दिया डैम्पिंग के रिलेटेड भी, और कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, और आई वॉन्ट कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो गाइज, आज की जो हमारी गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा गाड़ी। न्यू शेप नहीं है, जो फेसलिफ्ट आई है उससे एक मॉडल पुराने वाली है, बट हाँ उसमें अभी कोई काम नहीं हुआ है, ब्रांड न्यू इंस्टॉलेशन शुरू होने वाली है। तो गाड़ी के अंदर हम डाल रहे हैं डीडी ऑडियो का सेटअप, पूरा कंप्लीट लेवल 3 सीरीज का सेटअप डाल रहा हूँ। लाउड सेटअप होने वाला है, हर एक एक चीज़ डिस्क्राइब करूँगा, समझाऊँगा, दिखाऊँगा लगाते हुए भी और प्रोडक्ट भी। तो वीडियो के साथ बने रहिए और दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो में क्या क्या हम शुरू करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो ब्रेजा तैयार हो रही है, ब्रांड न्यू स्टॉक गाड़ी है, क्या उसमें अब हम फिट करने जा रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है डीडी का कन्वर्टर, सबसे पहली चीज़, क्योंकि स्टॉक स्टीरियो है तो हम कोई वायरिंग कट नहीं कर रहे हैं और ना ही हम उसको कोई स्टॉक स्टीरियो को रिप्लेस कर रहे हैं। फिर अगेन इसमें हम जो कॉम्पोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो डीसी सीरीज यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 4 क्रॉसओवर आते हैं, क्योंकि ये लाउड सेटअप होने वाला है। सब ऊपर काफ़ी हैवी इंस्टॉल हो रहा है, इसके अंदर डीडी का ही सारा सेटअप है। ये मोनो यूज़ हो रहा है डीडी का कॉम्पैक्ट सीरीज D600, साथ में जो 4 चैनल यूज़ कर रहे हैं हम वो अपना रेड लाइन यूज़ कर रहे हैं, अगेन डीडी ऑडियो SA300.4, साथ में 2 वायरिंग किट्स यूज़ कर रहे हैं 4-4 गेजेस, और डैम्पिंग जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल, जिसको हम लेमन सीरीज़ बोलते हैं, जो आपने मेरी डैम्पिंग की वीडियो में देखी होगी, ये वो यूज़ कर रहा हूँ। प्लस इसमें सबवूफर यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि कौन सा डीडी की सीरीज डाल रहा हूँ। तो गाइज, ये था हमारा ब्रेजा का सेटअप जो मैंने आपको दिखाया अभी, सारा टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें लग रही हैं, क्रेजी आउटपुट होने वाली है, क्रेजी सेटअप लग रहा है। सबवूफर मैंने अभी नहीं दिखाया कि मैं वूफर कौन सा इंस्टॉल कर रहा हूँ, हाँ डीडी ऑडियो का इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो मैं कौन सा इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी नहीं दिखाऊंगा, सस्पेंस रखूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लास्ट में दिखाएंगे कि कौन सा सबवूफर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो गाड़ी में काम स्टार्ट हो चुका है गाइस, तो मैं तुम्हें दिखाया था डैम्पिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया। जैसे हमारी, मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टैंडर्ड प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ मैं, CTK की लेमन सीरीज जिसको मैं बोलता हूँ। तो हमारी 2-लेयर डैम्पिंग हुई है ये, तो आपने तरीका देख लिया कि एवरीथिंग प्रॉपर नीट एंड क्लीन वे से कट करके हम क्लीन करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्लीन किया जाता है डोर, क्योंकि डस्ट होती है उसके मेटल के ऊपर, वो साफ़ करके ही लगानी पड़ती है पूरी। जैसे आप देख रहे हो 2-लेयर है ये भी, अभी सारे डोर्स में ऑफ 3 डोर्स में हो गई है, ये भी तैयार हो गया हमारा, बस एक अभी डोर नहीं हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे क्लीन करके सेटअप को इंस्टॉल करा जाता है। तो गाइज, जैसे मैंने आपको दिखाया डैम्पिंग का काम इसमें शुरू हो गया है। एक चीज़ मैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते कि हाँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो चीज़ करनी पड़ती है, जो एम्पलीफिकेशन है वो पीछे रेयर सीट में इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ही वॉन्ट्स एवरीथिंग ऑन डिस्प्ले, तो हम पीछे रेयर सीट के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगते हैं, कैसे वायरिंग करी जाती है और कैसे इंस्टॉल करे जाते हैं। तो जैसे हम उस तक पहुँचेंगे, उस तक मतलब कि एम्पलीफिकेशन तक पहुंचेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो गाइस, आप देखो जो हमें स्टीरियो खोलना पड़ता है, क्योंकि हमारे को कन्वर्टर की जो है पूरी फिटमेंट देनी पड़ती है, तो ये देखो तरीका, देखो खोलने का, हम प्रॉपर टूल्स यूज़ करते हैं ताकि जो पेचकस वगैरह लगते हैं, तो आप देखो जहाँ डैशबोर्ड पर निशान आ जाते हैं, तो कस्टमर काफ़ी कंप्लेंट करते हैं, तो दिस इज़ द एक्चुअल वे टू ओपन इट। देखो यही रीज़न है मेरी वीडियो दिखाने का कि मैं करोल बाग में भी होके भी नीट एंड क्लीन वर्क देता हूँ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन देता हूँ पूरी। ऑलमोस्ट जो है फिटिंग डन हो गई है, वायरिंग किट्स वगैरह सब इंस्टॉल हो गई है गाड़ी के अंदर, हमारे कंपोनेंट्स वगैरह भी डन पूरे इंस्टॉल, ये देखो डीडी ऑडियो डीसी सीरीज के कंपोनेंट्स इंस्टॉल हुए हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है गाइस, जो एम्पलीफिकेशन है वो मैंने बूट पे इसकी प्लेसमेंट करवाई है, इतने क्यूट लग रहे हैं, छोटे से एम्पलीफायर है, देखो सिर्फ हाथ जितना एम्पलीफायर है, आप समझ सकते हो, आइडिया मिल गया होगा आपको, बहुत अच्छी प्लेसमेंट करी है इसकी, पीछे सारा डिस्प्ले में बहुत अच्छे लग रहे हैं, वायरिंग किट्स वगैरह ऑलमोस्ट डन हो गई हैं, बस जैसे ही फिट होगा आपको गाइस आउटपुट सुनाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत क्रेजी आउटपुट होने वाली है बिकॉज लाउड सेटअप लग रहा है।
सो गाइस सब ऊपर की अभी भी लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही होगी यार, कौन सा ऐसा ऊपर डाल रहे हो यार, कुंवर भाई बता नहीं रहे हो। तो सब ऊपर गाइस में DD ऑडियो का इंस्टॉल हो रहा है, मैंने पहले ही बताया था, तो वो है 612 सीरीज़ का, बहुत अच्छा इंक्लोजर उसका, पूरा कस्टमाइज करके वो डिज़ाइन करा है, और अभी मैं पीछे बूट में रखूँगा और आपको चेक कराऊँगा। तो गाइस 612 हमारा सब ऊपर बूट में पूरा इंस्टॉल हो गया है, तो ये उसका कुछ कस्टमाइज इंक्लोजर है, प्लस प्लग इन प्ले सबसे बेस्ट चीज़, कभी बाहर जाना हो बैगेज हो तो इजीली रिमूवेबल होता है। तो अब हम आपको आउटपुट सुनाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस ब्रेज़ा मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस उसमें अब ट्यूनिंग करनी है, और आपको ट्यूनिंग करने के बाद मैं उसकी आउटपुट सुनाता हूँ कि क्या आउटपुट आई है उस गाड़ी के अंदर। प्लस हमारे पास अभी काम कराते कराते पीछे बलिनो भी आ गई है, बेसिक मॉडल है, कुछ भी नहीं लगाया था, तो उसमें हम ऑडियो इंस्टॉल करने लगे हैं, तो डैम्पिंग हो रही है उसमें, CT के प्रोफेशनल में डैम्पिंग कर रहा हूँ, प्लस उसमें हम DD के कंपोनेंट डाल रहे हैं रेड लाइन सीरीज़ के, और DD ऑडियो का ही हमने इसमें एम्पलीफिकेशन यूज़ कर रहे हैं 4 चैनल। सब ऊफर इनके पास था, और सब ऊफर के लिए एम्पलीफायर भी इनके पास था, बस वायरिंग किट कन्वर्टर हमने प्रोवाइड करे हैं। सो गाइज गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, ऑडियो रेडी हो गया है, क्या ब्यूटीफुल आउटपुट निकली है, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता, मतलब मैं चाहता हूँ आप सुनो और खुद कमेंट करके बताओ कि कुंवर भाई कैसा मजा आया आपको ऑडियो की आउटपुट सुन के, मतलब क्रेजी आउटपुट यार, इतना लाउड बढ़िया वूफर बज रहा है, क्या कंपोनेंट्स की नोट्स आ रही है, क्या वोकल ट्रेबल है, अमेजिंग आउटपुट गाइस। तो चलो अब बस आपको आउटपुट सुनाने लगा हूं, तो गो एंड चेक इट गाइस। तो गाइज आपने ऑडियो आउटपुट सुन लिया ना, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया गाना सुनने में। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ कि अगर आप पंजाबी म्यूजिक की आउटपुट सुननी है तो गो एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम जैंग्स कार वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ मैं पहले ही अपलोड कर देता हूँ वीडियो डलने से पहले। क्रेजी आउटपुट है, कस्टमर को मैं सुना चुका हूँ, काफ़ी अच्छे स्माइलिंग फेस के साथ उतरे हैं। तो अंदर चलते हैं शोरूम में और बात करते हैं कस्टमर से, और एक रिव्यू लेते हैं कि उनको कैसा लगा आउटपुट, गाड़ी का सेटअप कैसा लगा। तो गाइस अभी भैया की गाड़ी है जिसमें हम बैठे हुए थे और ऑडियो सुन रहे थे, तो एक बार उनसे भी रिव्यू लेते हैं, जेन्युइन रिव्यू पता लगेगा कि उनको ऑडियो सेटअप कैसा लगा और सुन के क्या मजा आया। तो भैया पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रवीण है। तो प्रवीण जी आपको गाड़ी में सेटअप जो मैंने लगा के दिया है एक बार थोड़ा बताओ कि कैसा लगा। सेटअप सुन के बड़ा मजा आ गया, दिल खुश हो गया है, और भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, सारी जेन्युइन प्रोडक्ट है इनके पास, और गाइडेंस भी एक नंबर की करते हैं भैया। और ये मेरी तीसरी कार है जो हम यहाँ से सेटअप तैयार कराएगा। तो भैया पहले भी आ चुके हैं काम कराने, हमेशा यहीं पर ही आते हैं, तो ये ट्रस्ट बना हुआ है यार, अच्छी गाइडेंस के हिसाब से उनको काम करा के दिया गया पहले भी गाड़ियों में, तो तभी वो दोबारा मेरे पास काम कराने आ रहे हैं। आज भी जो सेटअप बनाया, नई ब्रांड न्यू गाड़ी थी ब्रेज़ा बिल्कुल उनकी, और अमेजिंग आउटपुट बना के दी है। तो गाइज ऑब्वियसली आप फोन्स पे तो आप नहीं पता कर पाओगे कि क्या आउटपुट आ रही है, पर लिटरली अमेजिंग आउटपुट, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी काफी, और मुझे कमेंट्स करना कि आपको कैसी लगी आउटपुट। तो वीडियो को एंड करते हैं गाइस, तो सबसे पहला काम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो गाइस, ताकि मैं आपको इन फ्यूचर, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफाई हो जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो डल गई है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।